वेलकम टू तरुणायस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का तरुणायस एकेडमी पे। दिस इज सौम्या और शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जी हाँ, ये है पूजा खेडकर की तस्वीर। पूजा खेडकर, जिसके बारे में पहले भी जो है हम चर्चा कर चुके हैं, यानी यूपीएससी में एंट्री लेने के लिए, यूपीएससी में ऑफिसर बनने के लिए, यानी एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इन्होंने हर वो झूठ बोला जो ये बोल सकती थी। यानी फेक नाम से लेकर फेक ईमेल आईडी, फेक नंबर, यही नहीं यूपीएससी के अटेम्प्ट जो होते हैं एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो 9 अटेम्प्ट होते हैं। इन्होंने 12 अटेम्प्ट जो हैं वो पेपर को निकालने के लिए लिए। अब चर्चा ये है कि जब ओबीसी की अटेम्प्ट ही 9 है तो 12 अटेम्प्ट इन्होंने कैसे ले लिए। यानी कि 2012 से ये लगी हुई थी यूपीएससी का एग्जाम देना इन्होंने शुरू किया था, और फाइनली 2024 में जो है ये यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पे इन्होंने रैंक सिक्योर करी थी। 821 जो है इन्होंने रैंक सिक्योर करी थी 12 साल लगातार पेपर देने के बाद। बट बात है कि जब यूपीएससी में ओबीसी के अटेम्प्ट ही 9 है तो ये 12 अटेम्प्ट इन्होंने कैसे दिए। दरअसल 9 अटेम्प्ट पूजा खेडकर ने ओबीसी कैंडिडेट के बलबूते पे दिए, यानी ओबीसी कैंडिडेटर के साथ दिए, और उसके बाद के अटेम्प्ट जो है इन्होंने पीडब्ल्यूडी यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लगा के जो है, और साथ ही साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का माना जा रहा है फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद इन्होंने सारे अटेम्प्ट्स दिए। साथ ही साथ पूजा खेडकर ने ना सिर्फ फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया बल्कि अपना नाम भी बदला। जहां उन्होंने पहले के 9 अटेम्प्ट्स में पूजा दिलीप खेडकर के नाम से एग्जाम दिया, वहीं उन्होंने आखिरी 3 अटेम्प्ट्स जो है वो पूजा खेडकर के नाम से दिए, और आखिरी अटेम्प्ट जिनमें उनका सिलेक्शन हुआ वो अटेम्प्ट उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, यानी कि बार बार अपने नाम के साथ अदला बदली करी, कभी कोई नाम जोड़ा कभी कोई नाम डिलीट किया, यानी हर बार जो है यूपीएससी के सामने एक नया नाम रखा, एक नया नंबर, एक नई मेल आईडी, कुल मिला के ओवरऑल एक नई पहचान, जिससे यहाँ पे इन्होंने इस पद को हासिल किया। बट बात है क्या ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो लोग सालों साल तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए उनके साथ ये बिल्कुल गलत हुआ है। इन्होंने ना सिर्फ एक सीट बर्बाद करी है बट साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचा है यूपीएससी का उसको भी हिला के रख दिया है। जिसके बाद जब इनका पर्दाफाश होता है तो पता चलता है कि ओबीसी कैटेगरी से इन्होंने 9 अटेम्प्ट दिए हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने बाकी के अटेम्प्ट माना जा रहा है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके दिया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इन्होंने फेक इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ये जो है, यानी जब 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 डेथ में इनकी फादर की इनकम पूछी गई तो इन्होंने कहा 0 है। क्यों? क्योंकि वो एक रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब इनके फादर ऑलरेडी जो है आईएएस के पद पर रह चुके हैं, इनके ग्रैंडफादर आईएएस के पद पर रह चुके हैं, यानी ये एक कंप्लीट एलीट फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है अपने आप को इस तरीके से दर्शाया, ये बहुत ज्यादा दीनहीन है। अब हालांकि ये जो घड़ी इन्होंने पहनी हुई है जो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, इसकी भी कीमत 20 लाख रुपए है। आप सोचिए एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर 20 लाख की घड़ी जो है वो पहनता है, वो कहां से दीनहीन हो सकता है। सवाल कई उठाए जा रहे हैं, जवाब कई हैं, बट हाल फिलहाल के लिए जब ये केस ओपन हुआ तो पता चला कि इनकी मदर जो है वो कई सालों से किसानों को, पब्लिक को डरा धमका रही थी अपनी पावर्स का, यानी कि जो उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर्स थे उनकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी, जिसके बाद उनकी मदर को अरेस्ट किया गया, उनके फादर को जो है पूछताछ चली, इनको भी अरेस्ट किया गया, यानी यूपीएससी ने इन पे मुकदमा दायर किया, यूपीएससी ने इन पे केस किया फॉर्जरी का, केस किया चीटिंग का, केस किया थेफ्ट का, यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा इनके ऊपर केस किया गया, जिसके बाद पूजा खेडकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो है फिलहाल के लिए इस केस को लड़ रही है। पूजा अपने वकील की तरफ से सारी वो दलीलें पेश कर रही हैं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं कि पूजा ने जैसे कुछ किया ही नहीं है। अब अपने आप में ये बेहद ज्यादा हैरानजनक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूजा कहती हुई नजर आ रही है कि यूपीएससी के पास कोई अधिकार ही नहीं है मुझे डिस्क्वालीफाई करने का। यानी कि जब यूपीएससी को ये बात मालूम चली, जब यूपीएससी को पूजा खेडकर के बारे में पूरा चिट्ठा पता चला, यूपीएससी ने तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, और डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत पूजा खेडकर को तुरंत सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया। अब
मैडम का ये कहना है कि पूजा खेडकर का ये कहना है कि यूपीएससी के पास तो पावर ही नहीं है, यानी कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर यूपीएससी के पास है ही नहीं, तो यूपीएससी ने मेरा कैंडिडेचर कैसे डिस्क्वालीफाई किया। मैं एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर हूं और मैं अपने पद पर तब तक कार्यरत हूं जब तक मैं चाहती हूं, यानी कि यूपीएससी के पास उसकी कोई भी पावर नहीं है कि यूपीएससी मुझे डिस्क्वालीफाई कर सके। यानी ये केस जो है पूजा खेडकर बनाम यूपीएससी चल रहा है, देखना होगा किसकी होगी जीत, बट हम विषय करेंगे कि यूपीएससी की जीत हो, क्योंकि यहां पे ये लड़की जो है अब बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। ठीक है, देखिए यूपीएससी हैज नो पावर, ये इसके द्वारा बताया गया है, पूजा के द्वारा ये पेश किया गया है कि यूपीएससी ये अपनी दलील रख रही है कि यूपीएससी हैज नो पावर टू डिस्क्वालीफाई मी एंड शी रिफ्यूज द फ्रॉड चार्जेस। यानी जितने भी फ्रॉड चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो भी इन्होंने दखलंदाज कर दिए हैं। इन्होंने जो इनके वकील है उन्होंने साफ तौर पे जो दलीलें पेश करी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने 12 के 12 अटेम्प्ट्स एक ही नाम से दिए, यानी कि जो उनका फादर और मदर नेम था उन्हीं के नाम को इन्होंने जोड़ा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नाम बदला। और यूपीएससी ने खुद जो है इसको वेरीफाई किया था जब मेरे क्लाइंट को इन्होंने सर्विस दी थी, यानी कि जब इनको आईएएस बनाया था तो इनके वकील ने कहा कि यूपीएससी ने पूर्ण रूप से इसके ऊपर जांच पड़ताल की थी। तो अब फेक आइडेंटिटी किस बात की हो गई, कैसे हो गई, ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे इन्होंने ये पेश किया। दूसरी चीज इन्होंने पेश किया कि रही बात डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो एम्स के द्वारा टेस्ट किया गया है खुद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 47% डिसेबिलिटी पाई गई है पूजा खेडकर में, जिसके बाद जो क्राइटेरिया होता है वो 40% का होता है। तो यहां पे इनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि वो फार बिहाइंड है जो क्राइटेरिया है उससे, तो यहां पे जो फेक सर्टिफिकेट है उसका भी किसी भी तरीके का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तीसरा इन्होंने कहा, बेशक मेरे क्लाइंट ने 9 अटेम्प्ट ओबीसी सर्टिफिकेट से दिए हो, बट उसके बाद उन्होंने जो 3 अटेम्प्ट है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके दिए। अब ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल उन्होंने बाद में क्यों किया। तो यहां पे ये एक और दलील उनकी तरफ से पेश करी गई। बट आखिरकार अब हम मुद्दे पे आते हैं कि फाइनली पावर किसके पास है, यूपीएससी के पास क्या वाकई में ही पावर है कि वो एक कैंडिडेटर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या ये पावर डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास है। आखिरकार ये शक्ति है किसके पास, किसके पास है ये शक्ति कि कौन डिस्क्वालीफाई कर दे, यानी कि ऑलरेडी जो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, जो ट्रेनिंग कर रहा है, अगर एग्जाम पूर्ण रूप से उसने क्वालिफाई किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, बाद में अगर पता चलता है कि भाई एक इस ऑफिसर ने चीटिंग करके एग्जाम पास किया है, या यूं कहिए कि फेक सर्टिफिकेट्स को लगा के एग्जाम पास किया है, और फिर उसको सर्विसेज से बर्खास्त करना, उसको सर्विसेज से हटा देना और इतना बड़े ऑर्डर्स देना कि तमाम उम्र जो है वो कभी भी इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा, ये ऑर्डर्स पास करने की जो राइट्स है, डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है, आखिरकार वो किसके पास है, क्या वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के पास है, जो कि अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, या फिर डीओपीटी के पास है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास है, जो कि ऑफिसर्स का ट्रांसफर तबादला से लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करती है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आप में एक हाई प्रोफाइल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, यानी कि यूपीएससी का काम है ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम को कंडक्ट करना। और हर साल जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो जो कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है वो दरअसल यूपीएससी होती है। बट ऑफिसर्स को ट्रांसफर करना, ऑफिसर्स को डिस्क्वालीफाई करना, ऑफिसर्स को ऑफिसर्स का तबादला करना, ये सारी पावर, उनका ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, किस डिपार्टमेंट में होगी, और उसके बाद उनको सर्विसेज कैसे अलॉट की जाएंगी, उनको कौन सा कैडर दिया जाएगा, कब डिस्क्वालीफाई होंगे, कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ये सारी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की है। आइए जानते हैं वो सटीक एक्ट, वो सटीक रूल्स जिसके अंतर्गत ये लिखा भी गया है, यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कैन टेक द एक्शन इंडियन सर्विसेज एक्ट 1954 के तहत, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1954 के तहत, साथ ही साथ प्रोबेशनर रूल्स, रूल कौन सा है, रूल 19, इनके इन दोनों के
के तहत जो है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डीओपीटी के पास अकेला पावर है कि वो जो है डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको समझना होगा, दरअसल यूपीएससी ने जो केस लगाया है पूजा खेड़कर के ऊपर वो चीटिंग और फ्रॉजरी का केस है। अब जब सबको पता चला, देखिए यूपीएससी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यूपीएससी के ऊपर इतने बड़े लेवल पे जो है सवाल जवाब उठाए गए हो, जब लोग जो है यूपीएससी को एक शक की बिना पे देखें। और पूजा खेड़कर का केस जैसे ही ओपन होता है तो एक शक के घेरे में जो है यूपीएससी खड़ा हो जाता है, जहां लोग बार बार आशंका और शक की नजरों से यूपीएससी को देखते हैं। यूपीएससी ने इसी को कहते हुए केस किया है कि भाई पूजा खेड़कर के चीटिंग की वजह से, फ्रॉजरी की वजह से और थेफ्ट की वजह से जो यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी है, यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी है, वो जो है हर्ट हुई है और इसी कारणवश हम जो है केस कर रहे हैं। अब क्या यूपीएससी को ये पावर है कि वो केस कर सकते हैं? बिल्कुल पावर है, बिल्कुल पावर है। अगर किसी भी अथॉरिटी की ट्रांसपेरेंसी या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी को किसी भी पर्सन या फिर किसी भी अदर अन्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर्ट किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल पावर है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो यहां पे एक एक्शन लेते हुए जो है यूपीएससी ने उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बर्खास्त किया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल पूजा खेड़कर केस को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है ताकि किसी भी तरीके से उनको बचाया जा सके, पर चाहे वो ये नहीं जानती कि उनका जो अपराध है वो एक बहुत संगीन अपराध है। देखिए जहां पे लाखों लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सालों साल इस एग्जाम को दे रहे हैं, लगे हुए हैं, वहीं जो है इस तरीके के बच्चे, इस तरीके के जो नमूने हैं, जो चीटिंग करके और जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस तरीके से जो है एक चीटिंग करके और थेफ्ट करके नौकरी पा लेते हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। और अब क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, तो उसी का ही गलत उठा के केस को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। बट दरअसल यूपीएससी के पास ये पावर है, बट यूपीएससी ने जिस तरीके से, देखिए जो हटाने की पावर है वो बिल्कुल डीओपीटी के पास है, बट यूपीएससी ने जो केस फाइल किया है उनके ऊपर, जो दलीलें पेश करी है उनके ऊपर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिससे डीओपीटी के साथ जो उनको निकाला है, जो बोला है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि दरअसल हुआ क्या है ओवरऑल मुद्दा, और आई होप दैट ओवरऑल मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। ऑल इंडिया रूल्स, ऑल इंडिया एयर, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1954 और प्रोबेशनरी रूल्स के हिसाब से, रूल 19 के हिसाब से यहाँ पे डीओपीटी के पास वो पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूपीएससी के पास बिल्कुल पावर है कि वो केस को फाइल कर सकते हैं, चीटिंग और फ्रॉजरी के केस को पूजा खेड़कर के ऊपर फाइल कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हिलाने के जुर्म में सक्सेस तप्त एक तरीके से केस जो है वो बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस एंड मे गॉड लुक ओवर यू।